नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल राइड वेस्टी में। दोस्तों दोस्तों यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको पल पल की खबरें मिलती रहेंगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन चालू करते हैं दोस्तों। दोस्तों आज टॉप 20 MCQ है दोस्तों, जो कि केमिस्ट्री से लिए गए दोस्तों है। पहला क्वेश्चन आपका है, विद्युत रूप से परमाणु क्या होता है दोस्तों, जिसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उदासीन, धनावेश, निगेटिव, कोई नहीं ऊपर से। तो इसमें से होता है उदासीन। क्या होता है दोस्तों? उदासीन, ऑप्शन नंबर एक। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है दोस्तों। परमाणु जो होता है विद्युत रूप से कैसा होता है? उदासीन होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या कैसी होती है? समान होती है, इक्वल होती है। इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो इक्वल दोस्तों होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं। तो दोस्तों चार ऑप्शन इसके हैं, हाइड्रोजन नाभिक, निगेटिव रूप से आवेशित कण, हीलियम नाभिक, ड्यूटेरियम नाभिक। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, हीलियम नाभिक। हीलियम नाभिक दोस्तों, जो अल्फा किरणें दोस्तों होती हैं वो दो प्रोटॉन तथा दो न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन होंगी और दो न्यूट्रॉन होंगी, ठीक है, से मिलकर बनी होती हैं, तथा ये हीलियम नाभिक को प्रदर्शित करती हैं। अल्फा किरणों को हीलियम डबल प्लस से निरूपित किया जाता है, जो हीलियम होता है उसको डबल प्लस से दोस्तों प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप निम्नलिखित के फलन के रूप में तत्व गुणधर्म पर आधारित होता है दोस्तों। तो ऑप्शन इसके चार दिए हुए हैं, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आकार, विद्युत ऋणात्मकता, परमाणु संख्या दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही दोस्तों है। तो दोस्तों तत्व के रासायनिक व भौतिक गुण, तत्व के रासायनिक और भौतिक गुण परमाणु संख्या के समानुपाती, परमाणु संख्या के कैसे होते हैं? समानुपाती होते हैं। अतः आवर्त सारणी का दीर्घ रूप परमाणु संख्या के समानुपाती होगा। कैसा होता है? समानुपाती होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? सबसे पहले सोडियम क्लोराइड जो होता है, NaCl इसका सूत्र होता है, सोडियम क्लोराइड दोस्तों। ठीक है, अब जानते हैं आगे। कह रहा है सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, मतलब बंध की बात कह रहा है। सोडियम क्लोराइड में कौन से बंध होते हैं? तो सोडियम क्लोराइड में कह रहा है सहसंयोजी बंध होता है, वैद्युत संयोजी बंध होता है, उप सहसंयोजी बंध होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो है वैद्युत संयोजी बंध होता है। कैसा होता है? वैद्युत संयोजी बंध। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, सहसंयोजी यौगिक का एक उदाहरण है, सहसंयोजी यौगिक का एक उदाहरण है दोस्तों। तो पोटेशियम क्लोराइड, बेरियम ऑक्साइड और ये मेथिल क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, तीन दिए हुए दोस्तों। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो है CHCl3, मेथिल क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, तो कैसे होगा ये? CHCl3, CHCl3, ये हो गया आपका सी। ठीक है, और H, एक H हो गया ये, और तीन Cl हैं, तो इधर Cl लग जाएगा, ये इधर ये Cl लग गया, ये Cl हो गया और ये Cl हो गया। सहसंयोजी का मतलब हो गया कि सबसे समान संयोजना, संयोजकता बनाना। ठीक है, कार्बन देखो Cl के साथ एक कार्बन, क्लोरीन और ये Cl और ये हाइड्रोजन, समान हो गया ना। ठीक दोस्तों, तो अगला देखिएगा, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयुक्तता होती है, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयुक्तता होती है। सबसे पहले फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला पता होना चाहिए, Fe2O3। दोस्तों फेरिक ऑक्साइड का जो फार्मूला तुम्हारा होता है वो Fe2O3, तो इस हिसाब से क्या होगा? अब देखिएगा दोस्तों, Fe इसका मतलब Fe पर ट्रिपल प्लस और O पर क्या होगा आपका? डबल माइनस होगा, डबल माइनस। अब कह रहे हैं फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयुक्तता, दोस्तों जो तत्व के ऊपर जितना भी प्लस या माइनस होता है वो उसकी संयुक्तता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संयुक्तता। अब यहाँ पे तीन हो गया दोस्तों, कितना हो गया? तीन। अब ये प्लस में है तो हमारी प्लस हो जाएगा, तो इस हिसाब से इसको ऑप्शन कौन सा ही होना चाहिए? ए, ये +3। तो फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयुक्तता कितनी हो जाएगी? +3 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है सातवां नंबर,
निम्न में कौन सा कण अस्थाई है? निम्न में कौन सा कण अस्थाई दोस्तों हैं? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रिनो कोई नहीं। दोस्तों ध्यान रखना है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं दिया हुआ है, न्यूट्रिनो दिया हुआ है, ध्यान से देखना है, न्यूट्रिनो। ठीक है, तो जो न्यूट्रिनो है वो जो है कण अस्थाई है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन जो होता है वो दोनों जो तीनों जो है ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों अस्थाई मूल कण है, अस्थाई मूल कण है। और देखिएगा दोस्तों न्यूट्रिनो, ये जो न्यूट्रिनो आपका दिया हुआ है, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो तथा मेसान और एक होता है पाजिस्ट्रॉन। ठीक है, ये जो चारों है ये अस्थाई कण है दोस्तों, याद रखना है, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो तथा मेसान, ये चारों जो है अस्थाई कण है, अस्थाई कण है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट है, जो रासायनिक यौगिक होता है उसमें सबसे छोटा संभावित कण जो होता है वो, सॉरी यूनिट जो होता है वो होता है अणु। क्या होता है दोस्तों? अणु होता है। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सभी। तो जो इलेक्ट्रॉनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है दोस्तों, देख लीजिएगा इसका। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित दोस्त होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं तथा संयुक्त रूप से न्यूक्लियन कहलाते हैं। इनको अगर एक ही मिला दें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक ही मिला देते हैं तो इसको न्यूक्लियन कहते हैं, न्यूक्लियन। जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षाओं में नाभिक के चक्कर लगाते हैं, ठीक है, इसीलिए जो है ये रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करते दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के अंदर, नाभिक के बाहर, कक्षक में, नाभिक और कक्षक दोनों में। तो जो परमाणु होते हैं वो नाभिक के भीतर रहते हैं, नाभिक के भीतर रहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, रोलर बियरिंग का स्नेहन करने के लिए किस स्नेहक की आवश्यकता होती है दोस्तों? जो रोलर बियरिंग होता है दोस्तों, जो गाड़ियों में लगती है, रोलर की तरीके से होता है इस आकार की यहाँ पे, तो ये रोलर बियरिंग में जो स्नेहक होता है वो अर्ध ठोस यूज होता है। कैसा यूज होता है? अर्ध ठोस। अर्ध ठोस में तुम्हारा ग्रीस आता है दोस्तों, क्या आता है? ग्रीस। ठीक है दोस्तों, अगला देखिएगा, इलेक्ट्रॉन वहन करता है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है, जो इलेक्ट्रॉन पे दोस्तों देखे होगा कि एक माइनस लगा रहता है, ई माइनस, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है एक यूनिट ऋण आवेश वहन करता दोस्तों है। अगला देखिएगा, पिंडों को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार कारक है, पिंडों को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार कारक है इलेक्ट्रॉन का अंतरण, न्यूट्रॉनों का अंतरण, प्रोटॉनों का अंतकरण और इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉनों का अंतकरण, इलेक्ट्रॉनों का अंतकरण। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है, किसी तत्व के गुण को प्रदर्शित करता है, किसी तत्व के गुण को प्रदर्शित करता है, तो किसी तत्व के गुण को उसका परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करता है, परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, 12 न्यूट्रॉन है, तो उस तत्व का परमाणु भार कितना होगा? तो उस तत्व का परमाणु भार कितना होगा? तो परमाणु भार बराबर होता है जेड बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, दोस्तों। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी आपकी है? 10 दी हुई है, और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी दी है? 12 दी दोस्तों है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 और 12 22 दोस्तों, कितना हो जाएगा? 22। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 22 आएगा, जेड बराबर कितना निकल के आएगा? 22 दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी तत्व के परमाणुक भार किसमें व्यक्त किए जाते हैं, किसी तत्व के परमाणु भार या परमाणुक भार किसमें व्यक्त किया जाता है? तो अगर ग्राम में, मिलीग्राम में, किलोग्राम में या एएमयू में, तो इसका सही आंसर एएमयू, दोस्तों। तो एएमयू का पूरा नाम जो होता है एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, याद रखना दोस्तों है। अगला क्वेश्चन आपका है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में
इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है। कोई भी आपका तत्व होगा उसकी परमाणु की दूसरी कक्षा में, दोस्तों 2, 8, 18, 32 करके आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है दोस्तों है। तो जो दूसरी कक्षा होती है आपकी है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा ए रहेगा दोस्तों, ए रहेगा दोस्तों। अगला देखिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? तो जो होता है इसमें परमाणुओं की संख्या कैसी रहेगी? बराबर रहेगी दोस्तों, परमाणुओं की संख्या कैसी रहेगी? बराबर रहेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तत्व और यौगिक के अणुओं को किससे दर्शाया जाता है? तो रासायनिक सूत्र से दर्शाया जाता है। जैसे तत्व आपका ऑक्सीजन हो गया तो O2 से दर्शा दिया गया, ठीक है। और यौगिक मान लो सोडियम क्लोराइड हो गया तो NaCl हो गया आपका। तो ऐसे ही रासायनिक सूत्र से दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो मेयर ने किया था, न्यूलैंड ने किया था, मेंडलीफ ने किया था, या फिर डोबेनारे ने किया था? दोस्तों इसका सही आंसर जो आपका है वो न्यूलैंड ने किया था। किसने किया था? न्यूलैंड ने, ठीक है। तो दोस्तों ये आज के हमारे 20 क्वेश्चन थे, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।